ये मैंने 5 प्लस 8 का बकरम काटा है, जिसके जो मैं कुर्ती के लिए बोटने कर रही हूँ उसके लिए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं कट कर दूँगी। अब मैं आपको बता दूँ, शोल्डर 14 रहता है, 14 का 7, जो थोड़े से मोटे होते हैं उनके लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, 7.5 ले सकते हैं, लेकिन मैं 7 प्लस आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा। और ये मैंने शोल्डर का 5 इंच की गहराई ली है, देखिए जो 5 इंच शोल्डर पे लिया है, और 3.5 गहराई ली है बोट नेक की, और यहाँ पे 1 इंच की जो मैं बोट नेक कवर करूँगी, काटूँगी, वो 1 इंच एक्स्ट्रा, थोड़ा सा ज़्यादा ही है, कटिंग में आ जाएगा, और वैसे भी अंदर छुप जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कट कर लेती हूँ। ये मैंने एक कट कर ली है ये बोट नेक, और ये बैक के लिए भी आप उसी में से कट कर लीजिए, बस यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा आएगी लंबाई इसकी, जिसे आप पहले वाले के हिसाब से कट कर लेंगे, क्योंकि दोनों ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, उसको आप कट कर लेना, और ये दो शेप्स कट कर लेंगे। फिर ये देखिए मैंने दो कट कर लिए हैं, दोनों शेप्स मैंने कट कर लिए हैं, ये देखिए। ये देखिए मैंने दोनों शेप्स कट कर लिए, इसमें से इतना एक्स्ट्रा है इसको मैं कट कर दूंगी। अब मैं आपको बता दूं, ये कुर्ती का कपड़ा है जो वर्क वाला है, और एक पीछे विदाउट वर्क का है। इसमें वर्क वाले में मैं यहाँ पे इस तरीके से नहीं चिपकाऊंगी, क्योंकि मैंने इसमें साइनिंग का कपड़ा नहीं लगाया, अगर मैं लगाती तो फिर ये कॉटन के कपड़े पे एक पे मैं वेस्ट पे लगा लूँगी। जैसे ये कपड़ा है, दोनों ही गले आप इस तरीके से पहले तैयार कर लेंगे, जो मैं आपको अभी आगे बताती जाऊंगी। सबसे पहले आप इस कपड़े को बुकरम को यहाँ पे इस तरीके से आयरन कर देंगे, अगर ये चिपकाने वाला है तो आयरन कर दीजिए सेट करके कपड़ा, नहीं तो फिर इस पर एक सिलाई मार दीजिए, सिलाई कर देंगे, ये कपड़ा इसी में सेट हो जाएगा बकरम। फिर आप कुर्ती में से स्लीव्स कट कर लीजिए, उसके बाद ये नेक पर यहाँ पे कट लगा लीजिए सेंटर में, और फिर सेंटर पे इस तरीके से दोनों को यहाँ पे इस तरीके से यहाँ सिलाई मार दीजिए किनारे किनारे किनारे। मैं भी जब सिलाई कर लूँगी फिर आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे आप एक सिलाई मार लेंगे, और फिर यहाँ पे भी इस कपड़े में सिलाई मार लेंगे, मारना चाहिए, ये चिपक जाएगा, चूँकि मेरा चिपकाने वाला तो ये चिपक जाएगा, नहीं चिपके तो आप सिलाई मार लीजिएगा। और फिर मैं जो मैन पार्टी वेयर कपड़ा है उसमें मैं इसको कपड़े को इसके साथ सिलाई कर दूँगी, फिर यहाँ से सिलाई करने के बाद इसको कट कर दूँगी और इस कपड़े को पलट दूँगी। आप इस कपड़े को पूरे को इतना इतना कट कर लेंगे, अस्तर जिसमें अंदर की तरफ जो लगेगा उसमें कट कर लेंगे, और फिर उसको भी इस पर भी सिलाई कर देंगे, छोटी सी जो पट्टी बच जाएगी उसको सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद यहाँ वाला भी कट कर देंगे, और फिर इस बकरम को इस तरीके से इसमें ये वाला कपड़े का कवर हो जाएगा, और इसको पलट देंगे। फिर पलटने के बाद उसमें किस तरीके से अस्तर सेट करना है इस कपड़े का, वो भी मैं आपको बता दूँगी, बताती हूँ। ये यहाँ पर चिपक गया है, अब मैं इस पर यहाँ पे इस तरीके से सिलाई कर दूँगी और ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूँगी। ये मैं इसमें बोट नेक लगाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे बोट नेक का मार्जिन नहीं किया है, बस यहाँ पे 3 इंच पर पॉइंट लगा दिया, क्योंकि बोट नेक यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ चिपकाएंगे। और ये शोल्डर, गर्ल का शोल्डर है, उनका 32 इंच की कुर्ती बनानी है, उसके हिसाब से 14 शोल्डर है, तो मैंने 14 पे वो पतली दुबली इंच लगाया है, 14 पे
यहाँ निशान लगा लिया है। फिर 14 का आधा 7 हो गया, 7, क्योंकि 4 फोल्ड ये कुर्ती है। ये मैंने ये पॉइंट लगा रखा है नेक की गहराई का, जिसमें मैं बोट नेक लगाऊंगी। यहाँ पर इस तरीके से चिपका दूंगी, चिपकाने के बाद ये कटिंग करूंगी। अगर पहले कटिंग करूंगी तो फिर ये छोटा बड़ा हो सकता है। दूसरी चीज़ शोल्डर, जैसे 14 है तो 14 में ये देखिए मैं दिखा दे रही हूँ, 14 में 14 का आधा, चूँकि ये 4 फोल्ड है तो 14 का हाफ रहता है 7, 7 इंच लेंगे, क्योंकि लड़की पतली है। और यदि जिनका मैं बना रही हूँ थोड़ी सी पतली हैं तो वो उनका मैं लूँगी 7। अगर थोड़ा सा मोटी हैं तो आप आधा इंच ज़्यादा कर सकती हैं, ठीक है। और ये भी, इसकी भी गहराई मैं 7 ही लूँगी आर्मोल्ड की। यहाँ पे आधा इंच जब ज़्यादा आ जाएगा गहराई में, यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा तो वो 7.5 हो जाएगा। स्लीव्स की 8 लेते हैं हम लोग, 8 इंच है ना, तो उसी हिसाब से आप गहराई ले लीजिए। आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं जो मार्जिन एक्स्ट्रा में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 इंच की इस तरीके से लाइन करूँगी और फिर इस तरीके से यहाँ पे गहराई लूँगी। ये आर्मोल्ड की गहराई रहती है। यहाँ पे भी मैंने, यहाँ से आप 7 इंच ही पॉइंट लगा लीजिए, 7 इंच का, और फिर यहाँ पे भी 7 इंच का लगा लीजिए, और 7 से 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो यहाँ पे चेस्ट का आ जाएगा। जब 2 इंच है तो 36 का नाप आएगा। ये देखिए, ये 36 का नाप आएगा। 4 फोल्ड है तो 9 4 36। अब ये यहाँ पे आपका जैसे चेस्ट है, चेस्ट आपका 36 है तो यहाँ पे आप 9 लेंगे। मैंने ये 9 लिया है। इनका मैं 32 इंच का बनाऊंगी, मैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मैंने इनको यहाँ पे 9 किया है। आप अपने हिसाब से कीजिए जितना लूज रखना है। यहाँ पे भी कमर पे भी 36 और फिर थोड़ा सा लूज, और फिर पूरी लेंथ जो कुर्ती की है वो मेरी, इसकी लेंथ है पूरी यहाँ तक की 42 होगी। 42 इंच लेंथ ली है मैं, उसमें नीचे थोड़ा सा फोल्ड करूँगी, ऊपर भी 1-1 इंच फोल्ड में आ जाएगा। इस तरीके से कुर्ती की यही मैंने आपको मार्जिन बता दिया है। 32 इंच की कुर्ती, मतलब स्मॉल साइज जो बनता है वो मैं बना रही हूँ। बोट नेक जब भी आप अटैच करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए मैंने फ़ोल्ड किया है कुर्ते का भी। मैंने फ्रंट भाग जो था वो मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। देखिए ये अब सिर्फ 2 फोल्ड है ओनली, यानी कि मैंने ये फ्रंट का लिया है। फ्रंट पे आप यहाँ पे इस तरीके से चौक से पॉइंट लगा लीजिए, निशान लगा लीजिए, क्योंकि ज़रा सी भी डिस्टर्ब हुई तो आपकी ये फिनिशिंग फिट नहीं बैठेगी, यहाँ पे अटैच सही से नहीं होगा। तो आप सबसे पहले निशान लगा लीजिए, फिर उसके बाद सिलाई करिए। यहाँ पर सिलाई करूँगी मैं किनारे, ये यहाँ पर थोड़ा सा आधा इंच के करीब ये पूरा छोड़ देंगे। कटिंग कर रही हूँ मैं ये, और फिर कटिंग करने के बाद मैं इसको, मैंने देखिए अगर आपका ये अस्तर का कपड़ा ट्रांसपेरेंट है तो आप यहाँ तक इस कपड़े को लेंगे, ज़्यादा इस कपड़े को कैसा लेंगे, ज़्यादा लेंगे, और यहाँ इधर भी सिलाई थोड़ी सी ज़्यादा छोड़ेंगे। लेकिन चूंकि मैंने देखिए बैक में तो मैंने यहाँ पर इस तरफ सिलाई की है और फ्रंट पे मैं इस तरीके से इसको सिलाई करूँगी तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। फिर मैं इसको पलट कर यहाँ पर, फिर यहाँ पे भी एक सिलाई मारूँगी, यहाँ सिलाई मारूँगी, यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से तुरपाई करूँगी फ्रंट का। ये यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट लगाऊँगी। ये देखिए मैंने कट लगाए हैं, और भी मैं कट लगा लेती हूँ। ये जो सिलाई है इसके इस तरफ ही कट लगाइएगा, नहीं तो फिर ये कट जाएगा, यहाँ से सिलाई ही कट जाएगी। तो सिलाई के इस तरफ आपको ये छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस कट करने से इसमें जब हम फोल्ड करते हैं तो अच्छी तरीके से फोल्ड आ जाता है, झोल नहीं आता, ये है ना। अब क्या, मैं जब ये कट लगा लिए तो अब मैं इसको पूरा पलट दूंगी,
ठीक है, ये यहाँ से पूरा पलट करके इस तरीके से, ये देखिए। अब यहाँ पर मैं एक पतली सी सिलाई मार दूंगी, है ना। ये मैंने दोनों तरफ की कुर्तियाँ दोनों साइड की ले ली हैं कपड़े। अब मैं इसको इक्वल करके यहाँ से स्टिच करूँगी। यहाँ पर आधा इंच जो शोल्डर पे नीचे लेते हैं वो मैं सिलाई में कर दूँगी, मैं आपको भी बता दूँगी। दोनों तरफ सिलाई कर लेती हूँ।